हेलो दोस्तों, नमस्ते, सिकल आदाब, आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के ऊपर, जो कि मुझे लगता है कि हम लोगों को DULLB, CLAT, SSC जैसे एंट्रेंस टेस्ट में, और चाहे वो आपका CUET हो, ऐसे एंट्रेंस टेस्ट में हम लोगों को ये कम से कम इन 25 अवार्ड्स को तो करना ही चाहिए। इनके रिस्पेक्टेड विनर्स के बारे में हमें जानना ही चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर मेक अ वीडियो ऑन अवार्ड्स। सो हेयर आई एम विद द 25 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स विच आई थिंक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस वीडियो के एंड में मैं सितंबर से लेकर हमारे जून तक के, मई और जून तक के, 2022 तक के, सितंबर 2021 से लेके मई जून 2022 तक के जितने भी अवार्ड्स मंथली बेसिस पे मिले हैं, उसका एक छोटा सा क्लिप भी डालूंगा एंड में। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड और जानिए ऐसे कौन से वो 25 अवार्ड हैं जो हर बच्चे को कम से कम अपने एंट्रेंस एग्जाम में करके जाने ही चाहिए, और जिनसे मैक्सिमम पिछले सालों में कंटिन्यूसली सवाल आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी समय को बर्बाद करें शुरू करते हैं आज का वीडियो, और जानते हैं कौन से हैं वो 25 अवार्ड्स जो कि हम लोगों को प्रिपेयर करने चाहिए किसी भी कीमत पे। तो दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पे सबसे पहला हमारा जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स में से अवार्ड आ चुका है, वो है नोबल प्राइज अवार्ड। दोस्तों, नोबल प्राइज हर साल दिया जाता है और आप इसमें पढ़ ही सकते हैं, इट्स अ मोस्ट कवेटेड इंटरनेशनल अवार्ड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड में से एक है। इंस्टीट्यूट बाय अल्फ्रेड नोबल, हु वॉज इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। द अवार्ड इज गिवन ऑन December 10, जो डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबल की, उस दिन इस अवार्ड को दिया जाता है। तो हर साल दिसंबर में अवार्ड दिया जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है। ये टोटल 6 कैटेगरीज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, और हर कैटेगरी में तीन तीन यानी ग्रुप को अवार्ड दिया जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उन सभी नामों को याद रखें और हमेशा एग्जाम में नोबल प्राइज का कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे वो उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके करंट अवार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो ऐसे ही कुछ तरीके से रिलेटेड हो कि हु वाज़ द फाउंडर, व्हाट वाज़ द नेम ऑफ द फाउंडर, एंड हाउ दैट फाउंडर वाज़ रिलेटेड टू एन इन्वेंशन, ऐसे ऐसे करके आता है। तो ये नोबल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए नीचे मैंने इसमें टेबल भी बनाया है, नोबल प्राइज, नोबल लॉरियट्स ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट वन इन 1913, सीवी रमन 1930, मदर टेरेसा 1979, अमर्त्य सेन 1998, कैलाश सत्यार्थी 2014, एंड 2019 अभिजीत बैनर्जी इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगला अवार्ड जो है दैट इज मैक्से अवार्ड। सो दोस्तों, मैक्से अवार्ड जो है बहुत ही फेमस अवार्ड में से एक है। मैक्से भी 1957 में इंस्टीट्यूट किया गया था, आफ्टर द नेम ऑफ रैमन मैक्से द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। ये अवार्ड फिलीपींस का है। दिस अवार्ड इज गिवन एनुअली ऑन August 31st को अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी इसकी कैटेगरीज हैं, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। आपको याद होगा अभी रैमन मैक्से अवार्ड इंडिया में हमारे जो NDTV के प्रेजेंटर हैं रविश कुमार, उनको मिला था। अरविंद केजरीवाल को भी रैमन मैक्से अवार्ड मिला हुआ है, किरण बेदी को मिला हुआ है। तो ये अवार्ड जो है ये एशिया का नोबल प्राइज माना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में से एक है, इसको भी आपको ढंग से करके जाना चाहिए। अगला है ऑस्कर अवार्ड्स। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड फिल्म थिएटर से रिलेटेड अवार्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में से एक है, और ये 1929 में इंस्टीट्यूट किया गया था, कन्फरिंग एनुअली बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स इन USA। फर्स्ट इंडियन टू गेट एन ऑस्कर वॉज भानु अथाया फॉर द मूवी गांधी, एंड सत्यजीत रे वॉज द फर्स्ट इंडियन अवार्डेड ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा। तो ये मैं कुछ फीचर्स भी बता रहा हूँ अवार्ड्स के साथ में, बट दिस इज़ नॉट इनफ, आपको खुद ये स्टडी करना है। इस वीडियो का मकसद है आपको वो अवार्ड्स के बारे में बताना जो इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि हम उनको ज़्यादा। तो दोस्तों, जो हमारा अगला अवार्ड है वो है पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज इज अवार्ड फॉर अचीवमेंट, अगेन इसकी कैटेगरी है न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड लिटरेचर एंड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इट वॉज पब्लिश्ड एस्टैब्लिश इन 1970 बाय द प्रोविजन इन द विल ऑफ जोसेफ पुलित्जर एंड हु हैड हिज फॉर्च्यून एज अ न्यूज़पेपर पब्लिशर एंड इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। द विनर इन द पब्लिक सर्विस कैटेगरी इज अवार्डेड गोल्ड मेडल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर अवार्ड्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देन फिफ्थ वन इज राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड, इंस्टीट्यूट 1980 बाय द राइट टू लाइवलीहुड सोसाइटी लंडन, नोन एज द अल्टरनेट नोबल अवार्ड। नोबल अवार्ड के बाद अल्टरनेट अवार्ड्स में से इसको माना जाता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में से एक है ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड, टू प्रमोट एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड सोशल जस्टिस। एनवायरमेंट सोशल जस्टिस की फील्ड के लिए ये अवार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप लोगों को 2020
2021 में जिसमें भी इस अवार्ड को रिसेंटली दिया गया होगा उसके अंदर आप लोगों को सर्च करना है कि हुए वन दिस अवार्ड। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा यहाँ पे मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो है कि आप लोगों को मैं ये बता पाऊँ कि हम लोग इसमें कौन से अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ताकि आप उन अवार्ड्स को उन अवार्ड्स के बारे में नॉलेज गैदर कर पाएँ और उनको लर्न कर पाएँ। सिक्स्थ अवार्ड है, दैट्स मैन बुकर प्राइज अवार्ड, और ये हाईएस्ट लिटरली अवार्ड टू ऑथर्स ऑफ ब्रिटिश, आयरिश एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जिसके अंदर इंडिया भी आता है, दिया जाता है। एस्टैब्लिश्ड इन 1969, रीनेम्ड एज मैन बुकर प्राइज एज द स्पॉन्सरशिप हैज बीन टेकन ओवर बाय द मैन ग्रुप एज अ इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर। सो ये मैन बुकर प्राइज भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, या अलग अलग जो ऑथर्स हैं, जो बुक्स हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज के, उन लोगों को दिया जाता है, इसको भी आपने ज़रूर पढ़ना है। यूनेस्को पीस प्राइज एक इंटरनेशनल पीस प्राइज है जो कि प्रेजिडेंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड, अगेन यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस के बेसिस पे किया जाता है। एंड देन वी हैव वर्ल्ड फूड प्राइस जो है प्रेजेंट किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉर द कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। अगेन दोस्तों ग्रैमी अवार्ड्स आप लोगों ने सुना ही होगा, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड्स हैं, अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री बाय द नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स साइंस इन अमेरिका। बेसिकली इट वॉज स्टार्ट इन 1959। पंडित रविशंकर हैज रिसीव द ग्रैमी अवार्ड 3 times। दोस्तों ग्रैमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, बैफ्टा जैसे जो अवार्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, दो ये इंटरनेशनल वैल्यू रखते हैं अपना कल्चर और जो भी वहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड, बट स्टिल इनका हमारे इंडियन एग्जाम्स के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है और पूछा जाता है। एबल प्राइज इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का अवार्ड है। द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूट इन 2002। द फर्स्ट इंडियन अवार्डी वॉज प्रोफेसर श्रीनिवासन एस आर वर्धन 2007, वेयर एज एट द इंटरनेशनल लेवल द फर्स्ट अवार्डी वॉज जेन पियर इन 2003। यानी अवार्ड जो पहली बार बना था तो जेन पियर जो थे दैट ही वॉज द फर्स्ट अवार्ड। महात्मा गांधी पीस प्राइज अवार्ड, दैट्स एन इंडियन अवार्ड इंस्टीट्यूट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995। इट्स प्रेजेंटेड फॉर इंटरनेशनल पीस ऑन द लाइन्स ऑफ नोबल पीस प्राइज की तर्ज पे इस अवार्ड को बनाया गया है। बेसिकली भारत रत्न इंडिया का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ही गिने चुने लोगों को भारत रत्न मिला है आज तक, और आप लोग फर्स्ट भारत रत्न पाने वाले लोग प्लस जो रिसेंट भारत रत्न पाने वाले लोग प्लस एक भारत रत्न जितने भी हमारे देश में मिला है उनकी एक लिस्ट आप लोग जरूर पढ़ लें, क्योंकि यूजुअली कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 4 options दे देते हैं जैसे कि इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला, तो एक आपको ओवरव्यू होगा उस पूरी लिस्ट का, क्योंकि ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है तो ईजी भी रहेगा आप लोगों के लिए उसको रिमेंबर करना। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेजेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट फॉर एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस एंड रेयरेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड साइंस इंस्टीट्यूट 1954। फर्स्ट रिसिपिएंट वॉज सी राजगोपालचारी। पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्म भूषण वॉज इंस्टीट्यूट 1954 फॉर डिस्ट्रिंग सर्विस इन फील्ड ऑफ इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। पद्म भूषण एंड पद्मश्री आर अदर इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड्स। ये हायरार्की है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ठीक है, एंड देन यू हैव पद्म भूषण एंड देन यू हैव पद्मश्री। तो ये जो हायरार्की है इसको आपने याद रखना है कि हायरार्की का भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन चारों में सबसे बड़ा अवार्ड कौन है, भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड देन पद्मश्री। तो पद्मश्री बहुत सारे लोगों को मिलता है, इस बार भी बहुत सारे लोगों को मिला है। पद्म विभूषण फिर थोड़ा कम हो जाता है नंबर, सॉरी पद्म भूषण में फिर थोड़ा नंबर कम हो जाता है, पद्म विभूषण में तो और भी ज़्यादा नंबर कम होता है, भारत रत्न तो एक या दो लोगों को ही मिलता है बहुत ही कम समय के अंदर। तो आप लोगों को इसे पढ़ना है। द फर्स्ट अवार्डी वॉज जाकिर हुसैन, वी कृष्ण मेनन, सत्येंद्र नाथ बोस, बाला साहेब गंगाधर, खेर नंदा लाल भोसे, जिग्मे दोरजी वांगचुक। पद्म भूषण मैंने आपको बताया था, इट्स बिलो पद्म विभूषण, पद्म भूषण इज अवार्डेड फॉर डिस्ट्रिंग सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। पद्म भूषण इंस्टीट्यूट 1954। फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्ड पद्म भूषण वॉज होमी भाभा वॉज द साइंटिस्ट। Then there is Padmashri. I've told you Padmashri is the last award in the civilian category. Or Padmashri jo hai awarded for in distinguished service for field of art, social work, public affairs, science, engineering, trade and industry, medicine, literature, education, sports or others. Bahut hi wide category mein Padmashri diya jata hai, bahut saare logon ko diya jata hai. Isliye Padmashri ke jab aap awardees ka naam pad rahe ho to make sure karein ki aap usme se jo bahut famous awardees hain ya jinhone bahut ultra achievement achieve kari thi unko naam aap log yaad rakhein, warna Padmashri mein zyada naam yaad nahi rakh payenge. Padma Bhushan, Bharat Ratna are very important, क्योंकि वो कम लोगों को मिलते हैं तो उनके ऊपर सवाल पूछना ज्यादा आसान माना जाता है। ध्यानचंद अवार्ड
Dhyanchand award is given in the category of sports and games. It was initiated in 2002. The first awardee was Ashok Diwan, Shaharuj Birazdar and Aparna Ghosh. Then Arjuna awards given in initiated 1961, given by Sports Ministry, Government of India. These are given for special appointments in different types of sports. Arjun awards sports mein diye jaate hain. Arjun awards ke upar question bhi aaya tha pichli baar bhi ki kisko isme se nahi mila hua. To aap zarur padh ke jaao. Dronacharya award jo hain wo diye jaate hain coaches ko. Dronacharya award is given for outstanding coaches in sports. It was in 1985, given by Sports Ministry. They are given to sports coaches. The first awardee was Balachandra Bhaskara Bhagwat, Om Nambiar and Om Prakash Bharadwaj. Dada Saab Phalke Award India ka sabse highest award hai when it comes to the film industry. Dada Saab Phalke Award is given for outstanding contribution to the growth and development of Indian cinema. This award was initiated in 1969. The first receiver of this award was Devaki Rani. Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. So, dosto pehle Rajiv Gandhi Khel Ratna Award hota tha. Now it has been transferred to Major Dhyan Chand Khel Ratna Award recently only. Issued in 1992, present for commendable display by the player. And the first receiver of the award was Vishwanathan Anand for chess. Dhyan rakhega, it's Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, which have been recently changed to Major Dhyan Chand Khel Ratna Award by the Government of India under leadership of Narendra Modi. Sahitya Academy Award, आपने सुना होगा जब अवार्ड वापसी शुरू हुई थी नरेंद्र मोदी के फर्स्ट टेन्योर में, तो साहित्य अकेडमी के अवार्ड ही सबसे ज्यादा लौटाए गए थे. एंड दीज आर दी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट इन 1955, गिवन फॉर एक्सक्लूसिव राइटिंग इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश लिटरेचर. एंड देन दिस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, इट्स अवार्ड गिवन फॉर एक्सलेंस इन एकेडमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट. इनिशिएटेड इन 2000, द फर्स्ट अवार्ड वाज प्रोफेसर सी के प्रहलाद. संगीत नाटक नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इज गिवन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया. दिस अवार्ड वॉज इन 1951. फर्स्ट अवार्ड वॉज अलाउद्दीन खान फॉर म्यूजिक फॉर हिंदुस्तानी सरोद, मुश्ताक हुसैन खान इन म्यूजिक फॉर हिंदुस्तानी वोकल, कार्यकुदी संभव अय्यर फॉर म्यूजिक फॉर कर्नाटिक, वीना एंड आर्यकुदी रामानुजा यंगर फॉर म्यूजिक इन कर्नाटिक वोकल. तो ये अवार्ड भी आपको करके जाने हैं. अब आते हैं हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स में. वेरी इंपॉर्टेंट गैलेंट्री अवार्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको मैंने डिफाइन भी करा अच्छे से और आप लोग इनको ढंग से पढ़ के जाना. गैलेंट्री अवार्ड्स जो है वॉर टाइम और पीस टाइम अवार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. वॉर टाइम यानी जब हम किसी बैटल में हो, कोई लड़ाई चल रही हो और वहाँ पे कोई अपना बहुत तगड़ा अपना ब्रेवाडो दिखाता है, ब्रेवरी दिखाता है और फिर भारत सरकार जब उसको अवार्ड देना चाहेगी तो वो उसको वॉर टाइम अवार्ड में देगी, गैलेंट्री अवार्ड में. और उसके नाम अलग अलग होते हैं. जैसे कि सपोज एग्जांपल तौर पे कारगिल के टाइम पे कोई शहीद हुआ तो ही विल बी कवर अंडर वॉर टाइम. और अगर जम्मू कश्मीर में किसी टेररिस्ट मिशन के अंदर कोई शहीद हुआ देन ही विल बी कवर अंडर पीस टाइम अवार्ड. तो जो वॉर टाइम है दैट इज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. दैट्स परमवीर चक्र, इट्स हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, देन महावीर चक्र एंड देन वीर चक्र. तो तीन हो गए, परमवीर इज द हाईएस्ट, महावीर एंड देन वीर. देन अगर पीस टाइम में आप कर रहे हैं यानी आप किसी टेररिस्ट ऑपरेशन या किसी आप आउट ऑफ द वॉर, वॉर नहीं चल रहा उसके अलावा भी आप अगर कहीं पे अपनी ब्रेवरी को अपनी अपने देश के प्रति अपनी शहादत आप देते हैं तो उसके अंदर ये अवार्ड्स कवर होते हैं. अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है. कीर्ति चक्र इज इक्वल टू द महावीर चक्र, महावीर चक्र के बराबर है कीर्ति चक्र वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड के. इट्स अ सेकंड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड. देन यू हैव शौर्य चक्र इज पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इक्वल टू वीर चक्र. इट इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर करेजियस एक्शन और एन एक्ट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस वाइल नॉट इन डायरेक्ट एक्शन और कॉम्बैट अगेंस्ट द एनमी. तो वॉर टाइम और पीस टाइम में ये फर्क होता है. तीनों कैटेगरीज हैं. अभी रिसेंटली वॉर टाइम गैलेंट्री में एक अवार्ड मिला है. मैंने अपने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था वो गलवान के टाइम पे, तो वो किसको मिला है आपने बताना है और कौन सा अवार्ड मिला है वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है. मेक श्योर करें गैलेंट्री अवार्ड्स को आप ढंग से पढ़ें क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं. और जो हमारे नोबल पीस प्राइज उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. दोस्तों ये 25 यहाँ पे हमारी ये सीरीज खत्म होती है. ये 25 जो है हमारे वो हैं अवार्ड्स हैं. इसके अलावा मैंने इसके अंदर स्पोर्ट्स अवार्ड्स को नहीं लिया है. स्पोर्टिंग इवेंट्स के जो अवार्ड होते हैं बेसिकली, चाहे वो ICC के अवार्ड्स हो गए, चाहे वो BCCI के अवार्ड्स हो गए, चाहे वो FIFA के अवार्ड हो गए जिसमें वो अपना क्या कहते हैं बेस्ट फुटबॉलर प्लेयर्स के अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है. प्लस जो हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं स्पोर्टिंग, चाहे अलग अलग चैंपियनशिप्स हो गई, टेनिस हो गया, उसको मैंने इसके अंदर कवर नहीं किया. तो आई आस्क कि आप लोग उसको कवर करें अलग से क्योंकि मैं उनको इसमें जो अवार्ड्स हैं उसमें नहीं कवर करना चाहता था क्योंकि अवार्ड्स जो हैं नेशनलाइज और इंटरनेशनल वैल्यूज़ पे बनाए गए थे इन लिस्ट को. हाँ,
मेक श्योर करें कि आप जब भी अवार्ड्स को कवर कर रहे हो तो आप एक रजिस्टर में पहले उन सब नामों को लिख लें, ताकि उसके बाद आपको रिविजन करने में आसानी हो। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखने से आपकी मेमोरी में वो आएगा। तो बहुत सारे बच्चे बहुत समय से मांग कर रहे थे, सर अवार्ड्स के ऊपर बताइए विच अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज 25 अवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड डू इट। प्लस अब इसके बाद जो है एक क्लिप शुरू होगी जिसके अंदर रिसेंटली सितंबर से लेकर अब तक जितने भी अवार्ड्स मिले हैं उनके अवार्डीज के नाम आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड दिस इज़ फ्रॉम माई साइट। आई होप आपको सब बहुत पसंद आया हो, इसके जो मैंने शॉर्टलिस्ट करें आपके लिए अवार्ड से बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हों, और आप इन अवार्ड्स में अगर कोई मिस हो गया तो उसको आप कवर करें। और मेक श्योर करें कि आप लोग अपने दोस्तों को जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आने वाले किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर भेजें। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये अवार्ड्स हर साल आते हैं, तो इसका जो रेलेवेंस है इनका वो हर साल रहता है। मगर जो अब जो क्लिप आने वाली है वो 2021 2022 के अवार्ड्स हैं। सो अगर आप इस वीडियो को 2023 2024 में देख रहे हैं तो अगले आने वाला जो पार्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी के बच्चों के लिए 2021 2022 का जो अवार्ड्स आने वाले हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोंट स्किप एंड डू वॉच दैट पार्ट। सो फ्रॉम माई साइड सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।